फ्रेंड वेलकम बैक टू द चैनल अखिल कैरियर कोड। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर हमारी 5 है, एनसीईआरटी बुक। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो तो पहले समझो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो उससे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझने से पहले हम समझ लेते हैं कुछ पैटर्न्स, नंबर्स के पैटर्न्स, क्योंकि ये चैप्टर पूरा बेस नंबर के पैटर्न्स के ऊपर है। यहाँ आप देख सकते हो कि 5 यहाँ पर लिस्ट ऑफ नंबर्स यहाँ पर गिवन है। पहला जो लिस्ट ऑफ नंबर है ये 1, 2, 3, 4, ये आपका ऐसे कंटिन्यू कर रहा है डॉट डॉट। फिर उसके बाद 100, 70, 40, 10, तो जितने सारे यहाँ पर 5 जो लिस्ट ऑफ नंबर्स यहाँ पर गिवन है, इसके अंदर कुछ पैटर्न्स है। पहला नंबर में क्या पैटर्न है कि जो एक एक नंबर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। दूसरे में क्या पैटर्न है, यहाँ पर देख सकते हो 100 के बाद फिर 70 आ गया, मतलब कितना यहाँ पर 30 डिक्रीज़ हो गया। फिर उसके बाद 70 से फिर 40 आ गया, मतलब फिर से यहाँ पर 30 डिक्रीज़, मतलब एक कॉन्स्टेंट नंबर जो 30 है वो डिक्रीज़ होते हुए आगे बढ़ रहा है। जैसे 100, 70, 40, फिर उसके 10 माइनस करो फिर 10 आ जाएगा, फिर आगे फिर और 10 मतलब फिर 30 माइनस करोगे तो इसमें और मतलब माइनस 20 आ जाएगा। इस तरह से पैटर्न हमारा चल। जो यहाँ पर थर्ड वाला बिट में जो नंबर सीरीज गई, इसका भी एक पैटर्न है -3, -2, मतलब ये आपका बढ़ते बढ़ते, मतलब यहाँ पर एक तरह से आप बोल सकते हो बढ़ ही रहा है, इंटीजर तो बढ़ ही रहा है। -3, -2, -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव नंबर इसके बाद आएंगे। तो एक पैटर्न, जितने सारे यहाँ पर 5 लिस्ट ऑफ नंबर सीरीज जो यहाँ पर गिवन है, सबका एक पैटर्न है। कुछ एक फिक्स्ड नंबर जो है वो बढ़ रहा है या फिर आइधर कम रहा है, यही हो। तो ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स आप ऊपर देखिए, उसका जो ईच नंबर जो है उसको हम कहते हैं टर्म, ठीक है। ईच नंबर को हम कहते हैं टर्म। जैसे मैं आपको पैटर्न्स के बारे में ऊपर ही जो मतलब बता दिया हूँ, नीचे वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। जितना ज़रूरी है मैं उतना ही बता रहा हूँ। देखो नेक्स्ट, तो जो भी हमने नंबर जो लिस्ट ऑफ एवब नंबर हमने जो भी देखा, तो हमने देखा कि एक फिक्स नंबर एक ऐड हो रहा है उसके प्रिसीडिंग टर्म से, प्रिसीडिंग मतलब उसके पिछले टर्म से ऐड हो रहा है। तो ये जो इसी को हम बोलते हैं, ये जो लिस्ट ऑफ नंबर जो आपने ऊपर देखा, दैट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम बोलते हैं AP शॉर्टकट में बोलते हैं इसको। जैसे मान लो मैंने और एक नंबर ले लिया, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया 5, 10, 15, 20, ये मैंने नंबर्स यहाँ पर लिखा है। तो आप कैसे पहचानोगे कि ये AP में है कि नहीं है? देखो एक फिक्स्ड नंबर से बढ़ रहा हो, देखो पहले 5 है, फिर तो इसमें अगर आप 5 ऐड कर दोगे +5 तो ये 10 हो जाएगा, फिर 10 में फिर +5 ऐड कर दोगे तो फिर ये 15 हो जाएगा, फिर 15 में फिर +5 ऐड कर दोगे तो फिर 20 हो गया। तो क्या ये जो नंबर जो बढ़ रहा है वही फिक्स है, 5 ही है, ऐसा नहीं कि दूसरे बार जो अलग नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, वही फिक्स नंबर 5 ही इंक्रीज़ हो रहा है। डिक्रीज किस में भी, डिक्रीज में भी वैसे होगा, फिक्स नंबर डिक्रीज़ होगा। अच्छा नेक्स्ट, अब एक लिस्ट ऑफ नंबर हम लेते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया 2 के बाद मैंने लिया 4, फिर उसके बाद डायरेक्टली मैंने 10 ले लिया, फिर उसके बाद मैंने डायरेक्ट 11 लिया, फिर उसके बाद 81 ले लिया, ये डॉट डॉट ये पैटर्न चल रहा है। तो ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है ये आपका AP फॉर्मेशन नहीं करता है, बट ऊपर वाला जो लिस्ट ऑफ नंबर था ये AP फॉर्मेशन कर रहा है। क्योंकि ये AP क्यों फॉर्मेशन नहीं कर रहा है ना, क्योंकि इसके अंदर जो देखो 2 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आ गया आपका 4, कितना बढ़ा, सिर्फ 2 बढ़ा, मतलब 2 इंक्रीज़ हुआ, मतलब जितना भी बढ़े 2 इंक्रीज़ हुआ। 4 के बाद डायरेक्ट कितना आ गया 10, तो 6 इंक्रीज़ हुआ। तो कुछ पैटर्न फिक्स नंबर नहीं है, पहला में अगर 2 बढ़ा तो जो 10 जो आया, तो यहाँ थर्ड वाला जो यहाँ पर जो नंबर आना चाहिए वो भी 2 ही इंक्रीज़ होना चाहिए, बट यहाँ पर अलग 6 इंक्रीज़ हो रहा है, फिर 10 के बाद 11, फिर 1 इंक्रीज़, तो उसके मतलब कुछ भी आ रहा है, कुछ भी फिक्स यहाँ पर नहीं है। कभी 2 बढ़ रहा है, कभी 10 बढ़ रहा है, कभी 6 बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर फिक्स नंबर ऑफ फिक्स एक कोई नंबर फिक्स नहीं है जो इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसको हम AP में नहीं बोलेंगे। तो हमारा AP वाला जो पिछला नंबर था और ऊपर जो मैंने आपको 5 लिस्ट ऑफ नंबर्स दिखाया वो AP फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो हम कैसे पहचानेंगे ना, हम देख के पहचानेंगे इसमें फिक्स नंबर अब बढ़ रहा है। और एक तरीका है जानने का, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद हम एग्जांपल क्वेश्चन। उससे पहले हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। डेफिनेशन ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग ए फिक्स नंबर। देखो हम बोल भी रहा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसी लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम बोलेंगे जो किसमें हर एक जो नंबर होगा वो पिछले प्रिसीडिंग टर्म मतलब पिछला वाला टर्म से फिक्स नंबर उसमें ऐड होगा, ठीक है। और एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को छोड़ देंगे, फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट ही टर्म है ना, उसके बाद जो आएगा सेकंड में हम देखेंगे ना भाई फिक्स नंबर, सेकंड थर्ड में फिक्स नंबर आ रहा है कि नहीं, तो फर्स्ट टर्म को मना कर रहा है वो, ठीक है ओके। और एक यहाँ पर डिफरेंस है, मतलब और एक चीज़ यहाँ पर आप जान सकते हो क्या AP में क्या है, जो फिक्स नंबर जो है उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। जैसे ये ऊपर वाला AP था मेरा 5, 10, 15, 20,
इसमें जो हमारा 5 जो फिक्स नंबर जो इंक्रीज हो रहा है इसको हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। स्मॉल डी के द्वारा इसको हम डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर डी। ओके, समझ में आ गई। और जो स्मॉल डी का जो वैल्यू है, जैसे ऊपर वाले केस में, जैसे मेरा इस केस में 5 था, इस केस में अलग, केस में अलग कुछ होगा, बट वो फिक्स रहेगा। और वो जो नंबर होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है वो नंबर। ओके, तो एपी आई थिंक आपको समझ में आ रहा है एपी किसे कहते हैं। मान लो अगर आपको कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है, मैं आपको और एक चीज़ अलग टर्म्स को समझा रहा हूँ, उसको ध्यान समझना, फिर उसके बाद हम एग्जांपल नंबर 1 करेंगे। अभी हम फिलहाल एग्जांपल नंबर 1 नहीं कर रहे हैं, मैं कुछ नंबर्स दे रहा हूँ यहाँ पर। जैसे मान लो मैंने दिया 3, फिर मैंने यहाँ पर लिखा 6, फिर मैंने लिखा 9, आप समझ रहे हो 3 का टेबल ही चल रहा है हमारा, 12 फिर 15 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, मतलब ये आगे बढ़ते जा रहा है। तो हमको समझ में आ रहा है ये फिक्स नंबर 333 इंक्रीज़ हो रहा है, तो हम समझ रहे हैं ये एपी में है हमारा, दिस लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म्स एपी। अच्छा, अब समझते हैं ये 3 जो है वो पहला प्लेस पे है, फर्स्ट, तो इसको हम नाम देते हैं, जैसे A1 दिया मैंने, ठीक है। ये दूसरे प्लेस पे है जिसको मैंने दिया A2, ये तीसरे प्लेस पे 9 इसको मैंने दिया A3, ये सब उनकी पोजिशन के नाम है। 12 जो 12 है कौन से पोजिशन पे, A4 पे है। 15 जो है कौन से पोजिशन पे, A5 पे है। ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते चलेगा, मतलब हम लोग का पता नहीं बहुत एन नंबर तक मान लो चलता रहेगा नंबर हमारा। तो इनके पोजीशन के नाम आपको पता चल गए, 3 कौन सी जगह पे, A1 है, 6 का A2, इस तरह से चलेंगे, इनके पोजीशन के नाम है। अच्छा, जो पहला A1 क्या डिनोट करता है, A1 का मतलब होता है कि AP के अंदर पहला नंबर, जो AP हमारा है लिस्ट ऑफ नंबर, AP के अंदर जो पहला नंबर है वो हमारा A1 है। तो जो A1 जो नंबर है, जैसे हमारे यहाँ पर अभी 3 है, उसको हम बोलते हैं स्मॉल a, दैट इज़ नोन एज द फर्स्ट टर्म, तो हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि A1 तब क्या है, A क्या है। A1 है वो जगह का नाम जिस पर, जिस जगह पे वो है अभी, और एक तरह से बोल सकते हैं A1 जो है A भी वही है, क्योंकि A बोला जाता है पहला टर्म, AP का जो पहला जो फर्स्ट टर्म होगा उसी को हम कहेंगे A। आप चाहो तो A भी बोल सकते हो या फिर A1, एक ही बात, ये दोनों सेम है। दूसरा तो आपको पता है A2 प्लेस है, A3 प्लेस है, ये सब आपके जो नंबर है 3, 6, 9, 12, ये सब क्या है आपके नंबर से, कौन से जगह पे हैं हम बोलेंगे। अगर पूछूं आपसे कि 15 कौन से प्लेस पे है, बोलोगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म पे है, मतलब A5 प्लेस पे है वो, A5 प्लेस, और जो आप टर्म बोलो तो एक ही बात, क्लियर है। तो ये सब बेसिक चीज़ें होती है जो आपको जानना चाहिए। अच्छा, कोई सेम नंबर लेते हैं 3, 6, 9, 12, 15। मान लो मुझे मैंने आपको ये लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन किए हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो लिस्ट ऑफ नंबर जो मुझे मतलब आपको जो मैंने ये लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन किए हैं ये एपी में है कि नहीं पता करो, तो आपको तो दिख ही रहा है कि हाँ 3-3 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 3-3 बढ़ रहा है, नहीं, बट आप मुझे प्रूफ करके दिखाओ कि हाँ ये एपी में है कि नहीं। तो हमने एपी के बाद डेफिनेशन क्या पढ़ा है, फिक्स्ड नंबर होना चाहिए जो कॉमन डिफरेंस। तो हम क्या करें, हमें पता है ये प्लेस A3 जो है A1 प्लेस है, 6 जो है A2 प्लेस है, मैंने आपको अभी इधर समझाया। तो हम क्या करेंगे, हर एक का हम डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो पहला जो डिफरेंस है कैसे निकलेगा, देखो मान लो इन दोनों का करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे A2 माइनस A1। और एक चीज़ हमेशा याद रखो, ऑलवेज सेकेंड टर्म से पहला टर्म माइनस होगा, ये कहीं पर आप लिख के रख लो एज ए नोट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, ऑलवेज जो माइनस होगा सेकेंड टर्म विद फर्स्ट टर्म, चाहे सेकेंड टर्म छोटा हो या बड़ा हो डजेंट मैटर, बट ऑलवेज इट विल सबट्रैक्ट फ्रॉम द, मतलब जो ये जो सिक्स जो सब सिक्स हमेशा आगे रहेगा, समझ में आगे, सिक्स हमेशा आगे रहेगा, इसके बाद माइनस करोगे 3 ऑलवेज, चाहे AP आपका जैसा भी हो नंबर, बड़ा हो या छोटा हो। मैंने यहाँ पर क्या A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 मतलब कौन है, यहाँ पर A2 की जगह पर कौन है, 6 है, 6 माइनस 3 दैट इज 3, तो 3 आया। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 9 से 6 माइनस करेंगे, तो उसको क्या लिखेंगे हम, A3, कि हम A3 को माइनस कर रहे हैं A2 के साथ, यहाँ हम लिखेंगे 9 माइनस 6 दैट इज 3, यहाँ पर भी 3 आया। फिर उसके बाद हम क्या करें, 12 से 9 माइनस कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, 12 देखो कौन से प्लेस पे है, A4 पे है, A4 माइनस A3 तो इसको 12 माइनस 9 दैट इज 3। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे A5 माइनस A4, हम लिखेंगे 15 माइनस 12 दैट इज 3। तो हम यहाँ पर ऊपर देख रहे हैं कि सारे यहाँ पर 3-3-3-3 आ रहे हैं, का मतलब ये हमारा AP में है। ओके, हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि हियर A2 माइनस A1 जो है वो बराबर है आपके A3 माइनस A2 के साथ, और ये फिर बराबर है A4 माइनस A3 के साथ, और ये बराबर है आपके A5 माइनस A4 के साथ, ऐसे लिख सकते हैं। ओके,
समझ में आ गया कि अगर नंबर्स आपको गिवन है लिस्ट ऑफ नंबर तो पहचानोगे कि वो एपी में है कि नहीं है। तो हम क्वेश्चन जब करेंगे तो हम देख लेंगे। और पहले और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो पहले से बता देगा कि भाई ये एपी है, आप बताओगे कि इसका पहला टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होगा। तो कॉमन डिफरेंस के लिए ऐसा नहीं कि सेकेंड टर्म सबट्रैक्ट विद द फर्स्ट टर्म, आप कोई भी किसी भी माइनस करो, बट जनरली क्या करते हैं सेकेंड टर्म को पहले टर्म से माइनस कर देते हैं। तो ऐसी बात नहीं, आप कुछ भी करो आपका आंसर तो सेम ही, अगर वो एपी में है सेम ही आएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर ले लो, जैसे अगर डिफिकल्ट लग रहा है समझने में तो और एक एग्जांपल यहाँ पर ले लेता हूँ मैं। मैंने यहाँ लिखा 4, फिर मैंने ये यहाँ पर लिखा, फिर इसको मैं 3 इंक्रीज़ कर रहा हूँ 7, फिर 3 इंक्रीज़ किया 10, फिर 3 इंक्रीज़ किया 13। ये मेरा पैटर्न है, ये मेरा एपी दिख रहा है आपको। मैंने पहले से यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया कि ये एपी है, दिस लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म्स एपी, ये एपी में है। अगर मैंने आपसे पूछा इसका पहला टर्म क्या बताओ तो आप बोलोगे ए, ए हमारा पहला टर्म है, मतलब एक ए से डिनोट करते हैं पहला टर्म को। तो मैंने पूछा ये जो एपी में पहला टर्म क्या है, तो बोलोगे 4, ए इक्वल टू 4। मैंने पूछा कॉमन डिफरेंस क्या है, तो आप क्या करोगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, ए टू माइनस ए दैट इज 7 माइनस 4 दैट इज 3। क्या अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस तो निकल जाएगा आराम से। अब बार 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 आपको चेक नहीं करना है कि 10 माइनस 7 3 हो रहे हैं कि नहीं। तो देखो तो ऑलरेडी हमें बता दिया ना एपी में है, एपी में है मतलब जरूर उसका एक फिक्स नंबर होगा, कॉमन डिफरेंस सेम ही होगा। अगर एपी में है तो कॉमन डिफरेंस सबका सेम होगा, अब चाहे माइनस का चेक करना, कॉमन डिफरेंस ऑलवेज हमेशा 3 ही आएगा। क्लियर हो रहा है ये सब चीज़ें? अच्छा, तो मैंने आपसे कहा कि जैसे मान लो ये एक एपी हमें गिवन कर दिया और बोला या और बोला कि ए निकालो और डी निकालो, कोई ज़रूरी नहीं है कि 7 माइनस 4 आप करोगे, आपकी मर्जी। आप 10 माइनस 7 करो, 13 माइनस 10 करो, आपकी मर्जी, कुछ भी आप कर सकते हो। बट जनरली सेकेंड टर्म मतलब सेकेंड टर्म मतलब माइनस करते हैं फर्स्ट टर्म, तो जनरली सेकेंड टर्म और पहला टर्म को ही हम करके डी निकाल लेते हैं। बट देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन कि आप सेकेंड टर्म्स के साथ ही पहला टर्म माइनस करो, आप अलग भी कर सकते हो, क्योंकि एपी है तो सेम ही आएगा हर जगह, हर जगह 3 ही आएगा। तो ये सब चीज़ें समझ में आई थिंक आपको आ रही है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द एग्जाम्पल क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 1 अब हम सॉल्व करेंगे। तो एक काम करते हैं, इसको जितना मैंने भी किया इसको मैं रब करता हूँ, ताकि जो एग्जाम्पल नंबर 1 का जो प्लेस है इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो उसके बाद हम अपना एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे। एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स हमें यहाँ पे गिवन है तो हम सॉल्व करेंगे। ओके, तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व मतलब पढ़ो, रीड करो, मैं रब कर लेता हूँ। ओके, यहाँ तक हमारा रब हो चुका है। अब आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, आप नीट एंड क्लीन हमारा दिख रहा है। हाँ, आई एम गोइंग टू स्टार्ट सॉल्व द क्वेश्चन, एग्जाम्पल क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। एग्जाम्पल नंबर 1 पे आते हैं। तो आपको ए पी समझ में आ गया, ए क्या है, डी कैसे निकालना है। चलो क्या पहला क्वेश्चन हम करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। ये हमें देखो पहले से बोल दिया फॉर द ए पी, तो इसका मतलब ये हमारा ए पी है। हमें बोला है फर्स्ट टर्म निकालो, कॉमन डिफरेंस निकालो, तो कितना ईजी है, सिंपल सा बात है। अब क्या करोगे, निकाल दिया। फिर पूछा है कॉमन डिफरेंस जो स्मॉल डी, कॉमन डिफरेंस हमको पता है, जैसे मैंने आपको समझाया था सेकंड टर्म माइनस करो पहला टर्म के साथ। पहले हम लिखेंगे 1/2, आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो या आप ऐसे करके भी लिख सकते हो, या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हो, देर इज़ नो इशू। तो आप पहले देखो सेकेंड टर्म पहला क्या है, जो सेकेंड टर्म क्या है 1/2, यहाँ लिखो 1/2 बस इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, वही आपका आंसर होगा, मतलब डी होगा। तो क्या 1 माइनस 3, नेगेटिव भी आए तो घबराना नहीं है, भी आ सकता है। मैंने ऊपर बताया पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। यहाँ पर हमारा समझ में आ गया, पर हमारा आंसर आया -2/2 दैट इज़। तो हमारा जो डी निकला स्मॉल डी दैट इज, समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर, यहाँ पर क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म ए। देखो ये हमें पूछ रहा है कि भाई ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स जो नीचे गिवन है, बताओ इसमें से कौन सा नंबर, कौन सा लिस्ट ऑफ नंबर्स एपी फॉर्मेशन करता है, अगर करता है इफ़ दे फॉर्म, अगर करता है तो उसके बाकी के और दो टर्म्स लिखो। क्योंकि यहाँ तक हमने हमें क्वेश्चन में सिर्फ 4 टर्म दे के छोड़ दिया है, और बोल रहा है कि पहले चेक करो कि एपी में है कि नहीं, अगर है तो बाकी, मैंने सिर्फ 4 टर्म लिखा है और बाकी का 2 लिखो, मतलब ये क्वेश्चन हमें ये चीज़ हमें बोल रहा है। तो लेट फर्स्ट डू द फर्स्ट क्वेश्चन, बिट नंबर 1। मैं यहाँ पर नंबर क्या, मैं यहाँ पर लिखता हूँ बिट नंबर 1, इसका नंबर हमें गिवन है 4, 10,
मैं चेक करना है कि एपी फॉर्मेशन कर रहा है कि नहीं। तो जैसे मैंने आपको समझाया था एपी फॉर्मेशन कर रहा है कि नहीं, कैसे चेक करें हम लोग, हम सिंपली करेंगे ए टू माइनस ए वन। और एक बात यहाँ पर आप यहाँ समझो, ए पी फॉर्मेशन करे या ना करे, बट जितने सारे लिस्ट ऑफ नंबर्स के जो टर्म्स होते हैं आप उसको ए वन ए टू ए थ्री के द्वारा डिनोट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने एक नंबर यहाँ पर दिया सेवन, फिर दिया नाइन, फिर दिया मैंने एलेवन, फिर दिया मैंने थर्टीन, या फिर ये हमारे ए पी में क्योंकि दो दो टू का इंक्रीमेंट है तो इंक्रीज हो रहा है, तो इसको भी हम, ये ए पी में है तो इसको हम ए वन बोलते हैं, इसको ए टू बोलते हैं, ये मैं आपको बता दिया है। अगर मान लो कुछ लिस्ट ऑफ नंबर ऐसे हैं जो ए पी नहीं है, जैसे मान लो मैंने दिया सेवन, फिर मैंने लिखा उसके बाद टेन, फिर उसके बाद मैंने लिखा फिफ्टी, फिर लिखा सेवेंटी, ये कुछ पैटर्न नहीं बना रहा है हमारा, कुछ फिक्स नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा है, तभी भी दिस लिस्ट ऑफ नंबर कैन ऑल्सो भी डिनोट एज ए वन टू। भाई ए पी में है कि नहीं वो तो हम डी देखेंगे ना। अगर डी डी अगर अलग आता है, मान लो यही लिस्ट ऑफ नंबर ए पी में नहीं हमें पता है, तो हमें कैसे पता चलेगा? हम सेम वही प्रोसेस करेंगे, पहले हम डी निकालेंगे, हम ए टू माइनस सेवन करेंगे, तो यहाँ ए टू माइनस सेवन कितना आ जाएगा बताओ, टेन माइनस सेवन डेट इज़ थ्री। फिर हम क्या करेंगे, ए थ्री माइनस ए टू करेंगे, जैसे आपको अलग नंबर मिलेगा फिर आप छोड़ दें, थ्री माइनस क्या होगा टेन होगा, डेट इज़ फोर्टी। देखो यहाँ पर डी डिफरेंट आ रहा है, एक थ्री आया एक फोर्टी आया, सो ये नहीं होगा, लेकिन तभी भी हम इसको ए वन ए टू ए थ्री डिनोट कर रहे हैं, बिकॉज दिस ए वन ए टू ए थ्री ये पोजिशन है, मतलब ये भी टर्म्स को डिनोट कर रहे हैं, भाई ए वन प्लेस पे कौन है, ए टू प्लेस पे कौन है, भाई वो ए पी में है कि नहीं वो तो अदर थिंग है, बात की बात है। पहले तो हम इसको नंबर्स, लिस्ट ऑफ नंबर तो बोल सकते हैं ना इसको, चाहे ए पी में हो या ना हो। तो उसी तरह यहाँ पर हमें पता नहीं है लिस्ट ऑफ नंबर ए पी में है कि नहीं, तो हमारा काम क्या है, हम चेक करेंगे भाई अगर डी सबका सेम आता है तो इसका मतलब वो लिस्ट ऑफ नंबर ए पी में है, नहीं तो नहीं है। यहाँ पर चेक करो ए टू माइनस ए वन, यहाँ पर हमारा कितना हो जा रहा है, टेन माइनस फोर, दैट इज़ हमारे यहाँ पर निकला सिक्स। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट इसको हम फिर लिख लेते हैं, तो अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, ए थ्री माइनस ए टू, बताओ क्या होगा, ठीक है यहाँ पर कौन है हमारा सिक्स, दैट इज़ यहाँ पर देखो अभी सिक्स आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ए फोर माइनस ए थ्री, यहाँ पर चेक करो क्या हो रहा है आपका, देखो ट्वेंटी टू माइनस, ठीक है यहाँ भी हमारा सिक्स आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे सारे यहाँ पर देखो सिक्स सिक्स सिक्स। और एक चीज़ यहाँ पर जो आपकी आंसर टेक बुक में क्यों, जैसे मैं आपको समझाया था, अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा कि जो ए टू माइनस ए वन जो है वो बराबर है आपके थ्री माइनस ए टू के साथ, तो मैं बोलूँगा ये फिर बराबर है आपके ए फोर माइनस ए थ्री के। ऐसे लिखने का मतलब क्या है कि भाई सब इक्वल है, लिखने का मतलब ये कि भाई यहाँ पर तो सिक्स निकला, यहाँ पर सिक्स निकला, यहाँ पर सिक्स निकला, इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा एक्स की वैल्यू दो है, y की वैल्यू दो है और z की वैल्यू दो है, तो वी कैन राइट इन दिस फॉर्मेट, तो इसका मतलब x बराबर y बराबर z। टेंथ क्लास के स्टूडेंट हो ये सब चीज़ें तो आपको समझ में आती होगी, फिर भी मैंने बता दिया यहाँ, ओके। अच्छा इसके लिखने का और एक तरीका है जो आपका एनसीईआरटी बुक फॉलो कर रहा है, तरीका ये है, तो हमने यहाँ पर चेक ही कर लिया सब में सिक्स सिक्स आ रहा है, तो इसका देखो एनसीईआरटी बुक में आप देखोगे ना तो इस तरह से सोल्यूशन मिलेगा। हम देखो लिखा है बुक में कि दैट इज़ यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है ए के प्लस वन माइनस ए के इज सेम एवरी टाइम, देखो बुक देखोगे तो समझ में आएगा, इज सेम एवरी टाइम, ये हर समय सेम आ रहा है, सेम एवरी टाइम। आप चाहो तो इस तरह भी लिख सकते हो, या फिर आपके जो बुक में एनसीईआरटी बुक में जो इस तरह लिखा हुआ है ऐसे भी आप लिख सकते हो। अब अगर ये लिखोगे तो लिखने की ज़रूरत कोई नहीं है, अब इसको मत लिखो, ठीक है बस इतना लिखना है आप बुक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एक्चुअली ये है क्या, सिंपल देखो वही चीज़ को जैसे मैंने ऊपर उधर समझाया उसी चीज़ को थोड़ा अलग वे में यहाँ पर लिखा हुआ, सिंपल से लॉजिक है। देखो यहाँ पर जो देखो ये बुक में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, ये जो हमारा जो के मैंने लिखा ये के क्या है, यहाँ पर देखो सिंपल से बात है, ये एनसीईआरटी बुक में हम देखोगे हा? ये जो केथ टर्म जिसको हम बोलते हैं ए के प्लस वन ए के, तो हम बोलते हैं k प्लस वंथ टर्म एंड kth टर्म, मतलब एक में एक बढ़ गया है, समझ में आ रहा है ना चीज़ें, एक में एक बढ़ के उतना। जैसे मान लो k की वैल्यू आप कुछ भी रखो, लेट सपोज मैं k की वैल्यू ले लेता हूँ वन से शुरू, मान लो मैंने यहाँ वन ले लिया, ठीक है ये कितना, k की वैल्यू अगर मैं वन लेता हूँ तो ये कितना हो गया वन प्लस वन माइनस, ये कितना हो जाएगा, k की वैल्यू मैंने वन लिया, अब इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा ए टू माइनस ए वन हुआ, देखो वही चीज़ है ऊपर जो मैं, ठीक है। फिर यहाँ पर दूसरा मैं फिर चेक करो, अब के की वैल्यू वन पे, इस पर के की वैल्यू वन होगी,
सेकेंड टर्म आप के की वैल्यू दो लो, टू पुट करो, यहाँ पे क्या होगा, ए के की वैल्यू टू है ना, टू प्लस वन माइनस, तो लिख दोगे 12 फोर कितना, ए थ्री माइनस ए टू। देखो हमने ऊपर तो वही किया था, देखो यहाँ पर जो मैंने लिखा था ए थ्री माइनस ए टू फिर ए फोर माइनस ए, तो वही चीज़ होगा। एक मतलब ये चीज़ आप ना लिखते हुए उसकी जगह आप ये लिख दो, एक ही बात है। यहाँ पर लिख देना कि के की जो वैल्यू है हमेशा यहाँ पर वन से शुरू होगा, दैट इज नेचुरल, क्योंकि जीरो लोगे लोगे तो यहाँ पर ए वन माइनस ए जीरो, ए जीरो बोल के कुछ चीज़ है ही नहीं, क्योंकि हमारा जो ए पी होता है वो ए या फिर ए वन से शुरू होता है, ए जो है ए वन वही है, मैंने आपको ऑलरेडी पहले से बता दिया है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। और एक चीज़ ये है कि अब बाकी का जो क्वेश्चंस है, बिट नंबर टू एंड बिट नंबर थ्री एंड बिट नंबर फोर, ये आपके लिए होमवर्क ही है, खुद ट्राई करो, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया क्वेश्चंस कैसे सॉल्व हो रहे हैं। अब उसके बाद तो एग्जाम्पल नंबर टू का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, बट देखो सारे क्वेश्चन जो देखो ऑलरेडी क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन पहले से आपको बुक में गिवन है, मैं आपको समझा दिया एपी कैसे सॉल्व करते हैं। बाकी क्वेश्चन बिट नंबर टू, बिट नंबर थ्री, बिट नंबर फोर, आप खुद से ट्राई करो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल ही शुरू करें। एग्जाम्पल नंबर वन खत्म हो गया, नेक्स्ट आई थिंक बस इतना ही है आपका। एक मिनट लेट मी चेक द बुक, इतना ही है कि नहीं। यस, एग्जाम्पल नंबर वन एंड टू दोनों ही है, बस नेक्स्ट वीडियो में हम देखो, मैं ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करके मैंने रखा हुआ है, बस फटाफट इसको कराएंगे आपको। तो ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है कि एपी क्या होता है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1। ओके, टिल देन इस वीडियो में इतना ही, और जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो पुराने बच्चे हैं सो देन कीप सपोर्टिंग लाइक दिस। तो हम एपी चैप्टर कवर करेंगे एनसीटी खत्म करने के बाद, एग्जाम्पल ट्राई करेंगे खत्म करने को, बट फर्स्ट नॉट लेट मी प्रॉमिस टू यू दैट आई विल फिनिश द अदर बुक्स ऑल्सो एग्जाम्पल एंड नोटिस, बट फर्स्ट लेट मी प्रॉमिस यू दैट आई फर्स्ट फिनिश दिस बुक एनसीटी, देन आई विल थिंक अबाउट द अदर बुक्स। क्योंकि पहला एक काम खत्म हो जाए एनसीईआरटी, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल, बट फर्स्ट लेट मी फिनिश दिस एक्सरसाइज क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटीज एंड अदर मतलब चैप्टर्स के भी। ओके, एपी अच्छे से समझा दूंगा, और जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री सब कुछ कुछ सारे चैप्टर्स मैंने 10th के नहीं छोड़े हैं अपने चैनल पे, उसको चैप्टर्स मैंने पढ़ाए हैं, जस्ट लाइक ट्रिग्नोमेट्री मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री का जो आइडेंटिटीज चैप्टर नंबर 8 और जो 9 है आपका, अच्छे से मैंने उसको समझाया है। ट्रिग्नोमेट्री मेरा चैनल पे फुल्ली है, अच्छे से है, आप उसको वॉच कर सकते हो, प्लेलिस्ट में जाओगे आपको मिल जाएगा। चलो तो इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। स्टूडेंट वेलकम बैक टू द चैनल अखिल कैरियर कोड। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था एग्जाम्पल नंबर टू के फर्स्ट बिट, और बाकी जो बिट्स थे बिट नंबर टू थ्री फोर आपको मैंने होमवर्क गिवन किया था, तो मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ, आप एक बार चेक कर लो, जो भी आप होमवर्क किए हो एक बार चेक कर लो। ओके, समझा देता हूँ कैसे हो रहा है इसमें। देखो तो हमें जो नंबर गिवन है वो क्या है, वन माइनस थ्री माइनस फाइव, हमें क्या बताना है कि एपी में है कि नहीं, अगर है इसके बाकी के दो टर्म्स लिखो। ओके, ये हमें पूछा गया है। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने बिट नंबर वन का ये तो हमें हमें चेक करना था कि एपी में है कि नहीं, तो यस बिट नंबर वन एपी में है, लेकिन बाकी के दो टर्म्स मैंने नहीं लिखे थे, नेक्स्ट टू टर्म्स, तो वो मैं अभी यहाँ पर बता दे रहा हूँ बिट नंबर वन का। जैसे हमने पिछले वीडियो में किया था तो ये एपी में था, तो जिससे इस क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन यहाँ पर बता रहा हूँ, नेक्स्ट टू टर्म क्या होगा, सिंपल सा लॉजिक है। देखो जो हमारा और एक चीज़ पिछले वीडियो में मैं नहीं बोल पाया, अभी इस वीडियो में कवर कर देता हूँ उसको, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ये सब चीज़ें आप जो मैंने मिस कर दिया था पिछले वीडियो में बताने के लिए, अब इसमें कवर करेंगे हम लोग। देखो कोई भी जो ईपी होता है ना उसका एक फॉर्म होता है, जैसे देख लो, जैसे मैंने कहा कि पहला तो हमारा टर्म क्या रहेगा, ए रहेगा जो फर्स्ट हमारा, दूसरा जो होता है वो हमारा रहेगा ए प्लस डी, तीसरा जो रहेगा वो हमारा रहेगा ए प्लस टू डी, इस फॉर्मेट में हमारे ईपी होते हैं। तो इस फॉर्मेट को हम अच्छे से बाद में पढ़ेंगे, बट पहले ये आप जान लो कि इसी फॉर्मेट में हमारा ईपी रहता है, ये कैसे आया ए और ए प्लस डी, ये सब क्या है, आप अगर लॉजिकली भी सोचोगे तो बाद में इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा ये कैसे आया, बट अभी लॉजिकली सोचो सिंपल सा वही चीज़ हो रहा है। जैसे मान लो जैसे पहले क्या है, फोर है, पहला टर्म हमारा फोर है, ओके, दूसरा हमारा 10 है, तो 10 आया कैसे, तो 10 कैसे आया, यहाँ पर देखो ए प्लस डी के फॉर्मेट में है कि नहीं दूसरा वाला 10, देखो अगर 10 ना लिखते, ना लिख के उसकी जगह अगर मैं लिखूँ, क्या लिखूँ,
4 प्लस 6, तो क्या ये गलत होगा? नहीं होगा गलत, क्योंकि हम 10 को चाहें तो 4 प्लस 6 लिख सकते हैं। थर्ड वाला जो टर्म हमारा 16 है, उसको अगर हम चाहें तो 4 प्लस 2 इंटू 6 ऐसे हम लिख सकते हैं कि नहीं? सिंपल से बात, इसको अगर आप सॉल्व करोगे देन वी गेट 4 एंड दिस इज 10 एंड दिस इज 16, इसी फॉर्मेट में जा रहा है। तो कहने का मतलब ये हमारा फॉर्म है, ये एपी का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में एपी के सारे टर्म्स इसी फॉर्मेट में रहते हैं। ओके, तो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी हमें एपी पता चल गया, ये हमारा बिट नंबर 1 एपी में है। तो बाकियों का, और जो बाकी जो नेक्स्ट 2 टर्म्स हमें बोला है ना, अगर एपी में है तो बाकी के 2 टर्म्स नेक्स्ट अब निकालो, हमें 22 तक गिवन है। तो उसके बाद क्या होगा? सिंपल सा लॉजिक है, 22 हम देख रहे हैं कि 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है, सॉरी 4 नहीं 6 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ओके, हर बार 6 बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे इसमें, फिर 22 में फिर 6 ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 28, इसमें और 6 ऐड कर दो तो ये हो गया हमारा 34। तो ये 2 टर्म्स हमारे निकल गए। इसको हम नेक्स्ट, अगर हम एपी में इसको हम लिखें कैसे, डायरेक्ट आप लिख दो कि 22 प्लस 6, ऐसे आप लिख सकते हो कि नेक्स्ट 2 टर्म्स आर, आपके बुक में भी वही गिवन है कि नेक्स्ट 2 टर्म्स आर 22 प्लस 6 कमा, फिर उसके बाद लिख देना 28 प्लस 6, जो उसके बाद जो आएगा 28 प्लस 6 दैट इज 34। तो इस तरह से नेक्स्ट 2 टर्म्स आपको निकालना है। ओके, मैं बाद में फिर से अलग तरीके इसका बताऊंगा कि और कैसे निकालना है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, अभी फिलहाल के लिए भी जनरल मेथड फॉलो करते हैं जो हमें जो अभी तक हमने जो समझा है। चलो अब आ जाते हैं बिट नंबर 2 पे। बिट नंबर 2 हमें क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर हमें गिवन है 1 -1 -3 -4। ये हमारे एपी के अंदर है कि नहीं हमें पता करना है। तो हमें पता ही है कि पहला वाला जो होगा वो हमारा ए होगा, तो 1 को मैंने ए असाइन कर दिया, मतलब ए दे दिया। ओके, अब मुझे चेक करना है, मतलब सारे चेक करने, देखो जितने नंबर्स यहाँ पे गिवन है आपको, 4 नंबर यहाँ पे गिवन है, 4 टर्म्स गिवन है, सबका आपको चेक करना है। क्या पता पहला में हो, दूसरा आपने चेक ना किया हो, तीसरा में हो, क्या पता। एपी कब होगा? जब सारे सेम होंगे, जब जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सारे नंबर का निकालेंगे तो हम पहले क्या लिखेंगे, वही सेम a2 - a1, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1 - a2 हो गया -1, और a1 क्या है हमारा 1 है, इसको सॉल्व करोगे तो -2 निकला। सेम गोज फॉर द अदर, ये क्या लिखेंगे a3 - पहले मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ a3 - a2 एन a4 - a3, बस इतना ही नंबर है हमारा। अब चेक करते हैं नेक्स्ट -3, यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, कितना हो गया -3 - फिर -, मतलब a2 हमारा क्या है -1 है, -3 - -1, तो सॉल्व करो तो -3 + 1 दैट इज आंसर -2। अब आते हैं नेक्स्ट पे, सब इजी जी क्वेश्चन होते हैं, आई होप आपने सब किया होगा। -5 - फिर -3, आपका हो गया -5 + 3 दैट इज इक्वल टू -2। तो हमारा देखो डी हमें हर जगह हमारा सेम आ रहा है। तो मैंने आपको कैसे सिखाया था लिखना है, दैट इज जो एनसीईआरटी बुक में भी आपको गिवन है कि हियर ak+1 - ak आर या फिर इज, जो भी लिखो, सेम एवरीवेयर, और सेम एवरीवेयर हर जगह सेम है, तो ये हमारा एपी है। तो ऊपर भी लिख सकते दैट द अबव लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म्स एन एपी, हो गया। अब हमें नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालना है, तो नेक्स्ट आप डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे लिख दो नेक्स्ट टू टर्म्स आर क्या होगा, -5 तक गिवन है, तो -5 में मैं क्या इंक्रीमेंट कर दूंगा, -5 में मैं क्या ऐड कर दूंगा, -2, ठीक है। तो कितना हो गया, और फिर तो सॉल्व करते हैं, जो नंबर निकलता है देखते हैं क्या निकलता है, दैट इज़ -5 - 2, तो यह हमारा निकला -7 होगा। अब -7 फिर हम ऐड कर देंगे, फिर कितना भाई, कौन जो हमारा डी, तो ये कितना हो जाएगा -7 - 2 दैट इज -9। तो ये हमारे 2 नेक्स्ट टर्म्स हमारे निकल गए, -7 - -9। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, बिट नंबर 3 हम करेंगे, बिट नंबर 3 और बिट नंबर 4 जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं इस वीडियो में। इसको तो थोड़ा मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। ओके, नाउ बिट नंबर 3, बिट नंबर 3 हमारा क्वेश्चन क्या था, -2, -2, फिर -2, फिर डॉट डॉट डॉट, यह हमें ऐसे गिवन है। ओके,
कैसे निकालें इसका? सिंपल सा, पहले तो ए निकालना है हमें, ए इक्वल टू हम -2 लिख देंगे। फिर हम जैसे हमको प्रोसेस बताया था, एक एक करके सबका निकालो, A2 माइनस A1, देख लेते हैं कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 है, सबको ऐसे लिखना पड़ेगा, A2 माइनस A1, सॉरी ये A1 है, 5 तक हमें लिखना है। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट, A3 माइनस A2, नेक्स्ट हम लिखेंगे A3 माइनस A2 हो गया नेक्स्ट। अब चाहो तो फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो, जल्दी से खत्म हो जाएगा वीडियो। ये सब चीज़ें आप तो खुद को करना चाहिए, बट मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, सब तो ईजी चीज़ें होती हैं। तो हम लिखेंगे A5 माइनस A4, यहीं तक है, A5 तक है हमारा, देखो 1 2 3 4 5। और फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना होगा, A2 माइनस ये 1 है, ओके तो ठीक से लिख देता हूँ, ये 1 है, 1, ओके। तो A2 माइनस है मतलब कितना, 2 माइनस -2, तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, कितना हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर A3 माइनस, कौन सा A3 हमारा, कहाँ कौन है, देखो ध्यान से देखना, A3 हमारी ये है, तो -2 -2, फिर यहाँ भी आप, यहाँ आपका आंसर निकलेगा -4 निकलेगा, अलग निकला। फिर नेक्स्ट A4 क्या है, 2 है, 2 माइनस उसका प्रिसीडिंग, पिछला वाला A3, 2 माइनस -2, ये फिर से हमारा 4 निकल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट A5 हमारा -2 -2, तो आंसर यहाँ पर देखो -4। यहाँ पर क्या D सेम है, D सेम नहीं, अलग अलग, पहला 4 फिर -4 फिर 4 फिर, ये सेम नहीं है, तो हम ये लिखेंगे हियर, जो वही सेम चीज़ जो हमारा AK+1 है, AK+1 माइनस AK जो है, आर नॉट सेम एवरीवेयर, आर नॉट सेम एवरीवेयर, तो डज नॉट फॉर्म AP, आर नॉट सेम एवरीवेयर, हर जगह सेम नहीं है, तो ये AP फॉर्मेशन नहीं करेगा। फाइन, अब आते हैं बिट नंबर 4 पे, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके। क्वेश्चन है 1,1,1, ये हमारा क्वेश्चन है 2,2,2, 3,3,3, डॉट डॉट, ये हमें गिवन है, हमें यहाँ पर वही सेम बताना है हमें AP में है कि नहीं। तो ये सब क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ठीक, ये सब क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, तो सबको लिखने का फॉर्मेट एक बार पता कर, मतलब जानना पड़ेगा कि किस तरह से लिखेंगे हम, ठीक। इस तरह से लिखा जाए, मतलब लिखना पड़ेगा आपको, ए की वैल्यू 1 होगी, फिर उसके बाद बाकी होकर निकालो तो कितने टर्म्स हैं, 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स है, हम यहाँ लिखेंगे A2 माइनस A1 नंबर है, फिर हम लिखेंगे A3 माइनस A2, गिन लो 9 तक हमें लिखना है, फिर A4 माइनस A3, फिर उसके बाद A5 माइनस A4, और उसके बाद A6 माइनस A5, और उसके बाद A7 माइनस A6, और उसके बाद A8 माइनस A7, A9, सॉरी A9 A8, फाइन सारे हो गए, करके चेक करो A2 माइनस A1, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, यहाँ पर 0 हो गया, तो बताते हैं फिर से 1 माइनस 1, फिर से यहाँ पर हमारा 0 हो गया। A4 कितना है, फिर 2 माइनस 2, देखते हैं क्या है, अरे 2 माइनस 2 कहाँ से हो गया, 2 माइनस 1 होगा ना, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर A4 कौन सा है हमारा, 1 मिनट, 1 2 3 2 है ना, 2, हाँ 2 से -1 करेंगे तो यहाँ पर 1 हो गया। A5 कौन है, यहाँ पे लिख ही देता हूँ सब ऊपर, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9, अब A5 मतलब कितना, 2 माइनस 2, या फिर से यहाँ देखो 0 निकला, फिर 6 क्या है, फिर अच्छा 2 माइनस 2, फिर से 0, 7 क्या है हमारा, 3, 3 माइनस 2 दैट इज़ 1, फिर A8 क्या है हमारा, 3 है, 3 माइनस 3 फिर 0, देखो फिक्स आ नहीं रहा है सब जगह, ऑल अगर AP में होता तो सेम आता हर जगह, फिर 3 माइनस 3 दैट इज़ 0, कोई सेम चीज़ यहाँ पर आप लिखोगे, हियर दैट AK+1 माइनस AK आर नॉट सेम एवरीवेयर, सो दिस कैन, दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स कैन नॉट फॉर्म AP, अब लिख देना इसको, समझ में आ रहा है, कैन नॉट, लिख, मैं लिख देता हूँ, नॉट फॉर्म एन AP, नॉट फॉर्म एन AP, AP ये फॉर्मेट नहीं कर, सो
ख़त्म होता है जो बाकी, एक्चुअली ये होमवर्क्स वाला सेक्शन था जो मैंने आपको होमवर्क गिवन किया था, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ओके फाइन, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट द मेन पार्ट, दैट इज़ एक्सरसाइज 5.1। और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसको, ये दो वीडियो जो है ना, मैं मर्ज करके एक ही वीडियो में कन्वर्ट कर दूँ। तो यस, वही करना आई थिंक बेटर होगा। इसको मर्ज कर दूंगा एक ही वीडियो में। ओके फाइन, ताकि आपको दो अलग अलग वीडियो ना देखना पड़े, एक ही वीडियो में आपका एक तरह से इंट्रोडक्शन ख़त्म। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1। तो इस वीडियो में इतना ही।